नमस्कार दोस्तों, एक और बेहतरीन वीडियो मैथमेटिक्स से आपके लिए लेकर आया हूं। आपने मुझे कहा था कि सर डिवीजन की ऐसी वीडियो बनाए हैं जिसमें बड़ी संख्या हो और बड़ी संख्या से डिवीजन करें और परफेक्ट आंसर हो। तो ये 83 से मल्टीप्लाई 82 से डिवीजन, 72 से डिवीजन, 85 से, 91 से, 27 से, 92 से, 82 से, 54 से, ये 8 फिगर आपके लिए स्पेसिफिक ली गई हैं। हर फिगर में आपको कुछ ना कुछ समझने को मिलेगा। जैसे पहली फिगर में आपको मिलेगा कि जिसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, अगली फिगर में बचेगा तो दो रिमाइंडर बचेंगे, उसमें क्या करना होगा, और रिमाइंडर यदि बचते हैं या कोई फिगर ऊपर नीचे होती है तो उसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहली स्लाइड्स पर चलते हैं। ठीक है, 25813 डिवाइडेड बाई 83 किस तरह करते हैं आप आराम से देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, 25813 थोड़ा सा जगह छोड़ छोड़ के लिखिएगा, ये काम आएगी आपके। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, इसको आपको एक लाइन यहां पे खींच दीजिएगा, एक लाइन यहां खींच दीजिएगा और एक लाइन यहां खींच दीजिएगा, आपका 51 समझ लीजिए काम खत्म हो गया। ठीक है, आराम आराम से मैं बताऊंगा आपको। अगर ये मैं आराम आराम से नहीं बताऊंगा आप सोचेंगे कि साहब जो टाइम वेस्ट मेरा हो रहा है, तो आपको टाइम वेस्ट होने दीजिए। जो बच्चा टाइम वेस्ट समझता है वो नहीं सीख सकता, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं मैं आपको। 25813 लास्ट फिगर से पहले लाइन खींचनी है, 83 में हमें क्या करना है कि 8 हमें यहां पे लिखना है और छोटा सा 3 हमें यहां पे लिखना है। इस पूरी स्लाइड में, इस पूरी वीडियो में आप देखेंगे, आप 1 से लेकर सब 9 तक की टेबल या पाड़ा पढ़ेंगे, उससे आपको कोई जरूरत नहीं होगी, और मैक्सिमम 2 डिजिट में ही आप प्लस माइनस करेंगे बस। अब ये 25 की हमारी फिगर है, 8 की टेबल से पढ़ते हैं तो 8 3 24, ये 3 हमारा कोसेंट आना शुरू हो गया। देखिए, ठीक है भाई, ये 24 हमने यहां पे लिखा, 25 में से 24 हमने घटाया, हमारा 1 आ गया, इस 1 को हमने यहां पे लिखना है। अब ये हमारी फिगर 18 हो गई। अब ये जो 3 है इसका रोल अब आप समझ लीजिएगा, आपका सारा काम हो जाएगा। पहले हमने 8 से टेबल पढ़ी, 24 लिखा, 3 कोसेंट आ गया, लेकिन अभी ये 3 कोसेंट है कंफर्म नहीं हुआ जब तक ये जो 3 है इसका भी डिवीजन ना हो जाए। अब क्या किया, ये 1 यहां 25 में से 24 गया, 1 आ गया, ये 18 हो गया। अब ये 3 है, इस 3 को जो कोसेंट आएगा हमारा उससे मल्टीप्लाई करते चलना है, उसको यहां पे लिखना है। 3 3 9 9 यहां पे लिखा और 18 में से 9 घटा दिया। आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि जब भी आप अगर डिवीजन करते हैं तो जो भी आप टेबल पढ़ते हैं और जो फिगर आती है उसको आप घटाते हैं, तो यहां पे घटा दिया, 9 बैलेंस आ गया। अब क्या, आप दोबारे से हमको 8 की टेबल 9 में पढ़नी है, तो 8 बन जा 8, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया हमारा और यह 8 आ गया। 9 में से 8 फिर घटाएंगे हम तो 1 आ जाएगा हमारा, ये 11 हो गया। अब इसको इस 3, ये 3 परमानेंट है, इस 3 को जो अब क्वेश्चन आया उससे गुणा करना है, ये 3 से मत कर देना गलती से, 3 बन जा 3, ये 3 आ गया। और फिर हमारा क्या मामला, 11 में से 3 गए 8 बचे। अब जब 8 बच गए तो अब ये जो 8 है हमारा, अब 8 की टेबल इसमें पढ़नी है, तो 8 बन जा 8, यहां बचा हमारा 0। ध्यान रखना 0 बचे, 1 बचे, 2 बचे, उसको हमको यहां लिखना है, हमको यहां 0 लिखना है। अब इस 3 को इस 1 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा 3 हो जाएगा, बैलेंस हमारा 0 बचा, यानी कुछ नहीं बचा, यानी आंसर इज 3। इसमें कोई रिमाइंडर नहीं है, ये आपको सबसे पहले आप समझ लीजिएगा। लेकिन इसमें आपने देखा होगा हमको, हमने कौन सी टेबल पढ़ी, 8 की पढ़ी या 3 की पढ़ी, उससे ऊपर की हमने कोई टेबल की आवश्यकता हमको नहीं रही। ठीक हो गया, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां पे हमारी फिगर 20304,
इसको फिर लिखते हैं यहां पर 2 0 3 0 और ये 4, ठीक हो गया। अब वही लाइन फिर खींचते, एक लाइन यहां खींची, एक लाइन यहां खींची और एक लाइन यहां खींची, समझ लीजिएगा कि आपका 51 काम खत्म हो गया। 72 है वही करना है, 7 को यहां पे लिखना है और 2 को यहां पे लिखना है, बस ध्यान रखना इसमें छोटी बड़ी फिगर नहीं है, जो पहली फिगर है उसको नीचे और जो उससे अगली वाली फिगर है यानी यूनिट प्लेस ऑफ फिगर है यहां पर। अगर मान लिया इसकी जगह 27 आएगा तो 2 यहां आएगा और 7 यहां आएगा, इसको ध्यान रखना, क्योंकि जनरली हमारी पहली फिगर बड़ी आ रही है, कहीं आप सोचो कि बड़ी फिगर पहले लिखनी है और छोटी फिगर बाद में, ऐसा कुछ नहीं है। अब 20 में हमने 7 की टेबल पढ़नी है, तो 7 2 14 और 7 3 21, 21 नहीं हो सकता है, इसलिए 7 2 14, 20 में से 14 गया, 6 बचा, 6 को हमको यहां पे लिख देना है और वही अगेन ये जो 2 हमारा है, इस जो कोसेंट हमारा है उससे मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख देना है 2 2 4, 4 को 63 के नीचे लिख देना है, ठीक हो गया। क्या बचा, 63 में 4 गया हमारा, 59 बचा और 59 में फिर हमें 7 की टेबल पढ़नी है, 7 8 56, 8 यानी सेकंड कोसेंट आ गया हमारा, ध्यान रखना हमारा 7 8 56, ये 56 आ गया हमारा। अब 3 बचा, 3 को हमने यहां पे लिखा, ध्यान रखना जो यहां पे बचता है उसको हम यहां पे लिख देते हैं और ये फिगर पूरी हो जाती है। अब क्या फिगर बनी, 30 बन गई। अब 30 में फिर ये जो हमारा, इसको फ्लैग कहते हैं, फ्लैग ध्यान रखना फ्लैग, तो ये हमारा फ्लैग है, इस फ्लैग को जो अब कोसेंट आया है उससे गुणा करें, 2 8 16 16 हमने यहां पे लिखा और ये 30 है, 30 में 16 को घटाया तो हमारा 14 बचा। 7 की फिर हमने टेबल पढ़ी, 7 2 14, 2 हमने यहां पे लिखा, 14 यहां पे लिखा, क्या बचा 0, मैंने आपको बताया 0 बचे, 1 बचे, 2 बचे, हमें लिखना ही है यहां पर 0, हमने यहां पे लिख दिया और उसके बाद 2 2 4, अब ये फ्लैग हमारा फिक्स रहेगा, कोसेंट बदलता रहेगा हमारा, तो अब ये 2 2 4, इस 4 को हमने यहां पे लिखा, ये हमारा 0 बच गया यानी कुछ नहीं बचा, इट मींस हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा और दिस हमारा आंसर। लेकिन ध्यान रखना अगली जो स्लाइड्स आएंगी उसमें यहां पे रिमाइंडर भी आएंगे, डेसिमल भी आएंगे और 6 6 स्थान तक डेसिमल आएंगे, उनको आपको समझना है। ये नेक्स्ट स्लाइड आई है, अब ये जितने भी मैंने इसमें फिगर लिखी है, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हर डिवीजन में आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अब जैसे ये वाला है, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, ये होमवर्क आप करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, ये मैं ले लेता हूं आपको, क्योंकि इसमें जो मैंने पिछले आपको बताया है उससे इसमें फर्क मिलेगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, हमने 2 7 3 3 9 ले लिया, अगेन एक लाइन हमने यहां पे खींची, एक लाइन यहां पे खींची और एक लाइन यहां पे खींची, हमारा 50% काम खत्म हो गया। उसके बाद हमने क्या किया कि जो ये 85 है, ये 8 यहां बड़ा लिखा और 5 यहां छोटा लिखा, इसको हम फ्लैग कहते हैं, ये आप ध्यान रखना। लेकिन कोई भी आंसर बिना फ्लैग की कंप्लीशन के नहीं आएगा। अब 27 में 8 की टेबल पढ़ेंगे, तो 8 3 24 और 8 4 32, तो नहीं जाएगा, तो 8 3 जा, ये हमारा पहला कोसेंट आ गया, 8 3 24 और 27 में 24 हमने घटाया, 27 में से 24 घटाएंगे तो 3 बचेगा और 3 को हमने यहां पे लिख दिया, ठीक हो गया। अब ये फ्लैग है, इसको जो पहला हमारा कोसेंट आया है उससे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 5 15 और इस 15 को यहां पे लिख करके और इस 33 में से हमें घटा देना है, तो कितना बचेगा 33 माइनस 15, हमारा 18 हो जाएगा और 18 को हमें यहां लिखना है और इस 18 में 8 की टेबल हमको पढ़नी है, तो 8 2 16 और 8 24, तो 8 2 ये होगा यानी सेकंड कोसेंट हमारा आ गया 8 2 16, क्या बचा हमारा 2 बचा, इस 2 को हम यहां पे लिखेंगे,
हमने अब ये जो हमारा फ्लैग है इसको नेक्स्ट क्वेश्चन से गुना करेंगे, यानी 5 × 2 = 10, ये हमने कर दिया, ये हमारा 13 बच गया, 20 × 10 गया, 13 बचा। अब इस 13 में 8 की टेबल पढ़ेंगे तो 8 × 8, ये हो गया, कितना बचा 5 बचा, इस 5 को भी यहां पे लिखेंगे, और ये जो हमारा फ्लैग है इसको इस कोसेंट से गुना करेंगे, 5 × 5 = 5, और इसको यहां पे लिख देंगे, इसको थोड़ा को थोड़ा कम कर देते हैं भाई, ठीक है, ये ले लेते हैं, और ये 5 को 1 से हमने गुणा किया तो 5 हमने यहां पे लिख दिया, तो 59 में से 5 गया, 54 बचा, और अब इस 54 में हम 8 की टेबल पढ़ेंगे तो अब आपके रिमाइंडर सूर यानी डेसिमल आ जाएगा, तो यहां में हमने ये डेसिमल लगा दिया हमने, और 8 की टेबल 54 में पड़ी, क्या आएगा 8 × 6 = 48, ठीक हो गया, तो 48 यहां पे लिखा और 6 यानी कि हमारा फर्स्ट रिमाइंडर आ गया। अब अगेन वही 54 में से 48 गया, 6 बचा, इस 6 को हम यहां पे लिखेंगे, और जैसे कि आप जनरल मैथ्स में करते हैं कि जब आपको डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं होती तो आप 0 लगा देते हैं, तो इस 0 के बाद इस 6 के बाद हमने यहां पे 0 लगा दिया, और फिर अगेन ये जो हमारा 5 फ्लैग है इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 6 = 30, इस 30 को यहां पर लिखेंगे, बैलेंस हमारा 30 आ जाएगा, 60 में से ये 30 कटा, 30 आ गया, फिर 8 की डबल 30 में पढ़ेंगे तो 8 × 3 = 24, हमारा 6 आ गया, तो 30 में से 24 हम घटाएंगे कितना 6 आ जाएगा, 6 को फिर हमने यहां पे लिखा, 0 हम फिर लगा लेंगे, और ये जो 5 हमारा है इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया, 15 आ जाएगा, इस 15 को हमने यहां पे लिखा, 60 में से 15 को हम घटाएंगे कितना बचेगा 45 बचेगा, और 45 को फिर अगेन हम 8 का इसमें डिविजन करेंगे तो 8 × 5 = 40 और 8 × 6 = 48, तो 8 × 5 = 8 × 5 = 40, ये हमारा कोसेंट आ गया। कोसेंट आने के बाद लेकिन हमारा जब तक आप पूरा नहीं होगा जब तक कि इसका हम पूरा इन्वॉल्वमेंट ना कर लें, तो 45 में से 40 गया कितना बचा 5 बचा और ये 0 आ गया। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई आ गया 25 आ गया, अब हमारा 25 बचा। यदि आपको और आगे बढ़ना है तो ठीक है, अदर आपका आंसर आ गया 321.635, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अगेन ये वाली जो है ये आपके होमवर्क में मैं आपको दे देता हूं, ठीक है, और ये वाली जो है ये मैं आपको बताता हूं, और यदि आपको ये भी हो सकता है कि जब आप होमवर्क करेंगे तो हो सकता है एक दो स्टेप में आपको दिक्कत आए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए इसमें आपको बहुत कुछ अब जानने को मिलेगा जो हमने पिछली स्लाइड में हमको नहीं देखने को मिला। 7, 8, 9, 2, 3 और ये 5, ठीक हो गया। अब इसको हमने यहां पे लाइन खींची, यहां लाइन खींची और यहां लाइन खींची, और यहां पे फिर अगेन वही हमने क्या किया, 91 है तो 9 हमने यहां पे लिखा और 1 छोटू सा यहां पे लिख दिया, हमारा काम शुरू हो गया। बहुत आपको मजा आएगा अगर आप सीखना चाहते हैं। 78 हमारे पास है, 78 में 9 की टेबल पढ़ेंगे तो 9 × 8 = 72, तो 8 हमारा क्वेश्चन यहां पे आ गया और 72 हमने यहां पे लिखा। बड़ा बड़ा मैं इसलिए लिख रहा हूं आपकी समझ में आ जाए। 78 में से 72 घटाएंगे, 6 बचेगा, 6 को हम यहां पे लिख देंगे तो ये 69 हो जाएगा। और ये जो हमारा फ्लैग है ये बार बार मैं आपको इसको फ्लैग कहते हैं, और ये इस फ्लैग को हम इस कोसेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 8 = 8,
8 आ गया, इसको यहां पे हमने माइनस लिखा, 69 - 8 = 61 आ गया हमारा। अब इस 61 में हम 9 की टेबल फिर पढ़ेंगे, 9 7 = 63 नहीं हो सकता, 9 6 = 54, बिल्कुल ठीक बताया उन्होंने। तो 61 में से हमारा 54 गया, 7 बचेगा, 7 यहां पे लिखेंगे हम, और ये जो फ्लैग है इसको हम नेक्स्ट कोशेंट से घटाएंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 6 = 6 और 6 को यहां पे लिख के 72 में से घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 66 बचेगा। अब इस 66 में फिर 9 की टेबल पढ़ेंगे, 9 7 = 63 यहां पे हो गया, और 66 में से 63 गया, 3 बचेगा, 3, ठीक है। अब ये 3 बचा, ये जो 1 फ्लैग है इसको इस 7 से, अब इस 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे जो भी लेटेस्ट कोसेंट होगा उससे, तो 1 7 = 7 ये हमारा 26 बचा, और 26 में अगेन हम 9 की टेबल पढ़ेंगे, 9 3 = 27 नहीं जाएगा, तो 9 2 = 18 हमारा 8 बचा, 8 को हम यहां पे लिखेंगे, 85 हो जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 85 में से इसको घटा देंगे, तो ये 83 हमारा हो जाएगा। 83 में 9 की टेबल पढ़ेंगे और यहां पे डेसिमल शुरू हो जाएगा हमारा, तो डेसिमल लग गया, और 9 9 = 81 9 9 = 9 यहां लिखेंगे, और 2 हमारा बचा उसको यहां लिखेंगे, और उसके आगे हम 0 लगा देंगे, जैसे हम पहले भी जो हमारी वीडियो थी उसमें बताते रहे हम आपको। अब इस 1 को फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 और ये 9, तो 1 9 = 9 20 में से 9 घटा देंगे, 11 बचेगा। अब इस 11 में हम 9 की टेबल पढ़ेंगे, 9 1 = 9 ये 2 बचा, इस 2 को हम फिर 20 कर देंगे, ये 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखिए ये 1 है और ये 1 है, ये वाला 1, तो हमारा कितना बचेगा, 19 बचेगा। अब हम चाहें तो उससे आगे कर सकते हैं, अदरवाइज 8672.91 इज आवर आंसर। ये 2 डिजिट आप देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा डिवीजन में, ये अगर आप सीख लेते हैं तो आपका किसी भी बड़ी संख्या से, कितनी बड़ी संख्या से आप डिवाइड कर सकते हैं बिना किसी हिचक के, आपका आंसर सही आएगा ही आएगा। हमने ये फिगर ले ली, 8 7 8 9 4 वही किया हमने, एक लाइन यहां पे खींची, एक लाइन यहां पे खींची और एक लाइन हम यहां, और हमने इसको 54 से डिवाइड किया, तो 5 बड़ा लिखा और 4 हमने छोटा लिख दिया, दिस इज आवर फ्लैग, ये फ्लैग हो गया हमारा। अब 67 है तो 67 की जरूरत नहीं है, 6 में ही हम 5 की टेबल पढ़ेंगे, तो 5 1 = 5 ये हमारा 5 हो गया, और कितना बचा हमारा, 6 में 5 गया, 1 बचा, 1 हमने यहां पे लिखा, और 4 को 1 से हमने मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया हमारा, ये हमारा 13 बचा, और 13 में फिर हम 5 की टेबल पढ़ेंगे, 5 2 = 10 ये 3 बचा, इसको हमने यहां पे लिख दिया, और ये 4 को हमने 2 जो हमारा कोसेंट आ रहा है उससे मल्टीप्लाई किया, 4 2 = 8 हमारा 30 बचा, और 30 में फिर हम 5 की टेबल पढ़ेंगे, तो 5 6 = 30 और फिर हमारा क्या बचेगा, ये हमारा 0 बचेगा, और 4 को 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें नहीं जा सकता, यही सिखाने के लिए मैंने ये वाला आपको बनाया है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब 4 6 = 24 करते हैं, 24 यहां लिखते हैं तो 9 में से नहीं जाएगा, और जब तक इसकी कैलकुलेशन नहीं करेंगे हमारी कैलकुलेशन पूरी नहीं होती, इसलिए हम क्या करेंगे, अब इसकी 6 की जगह हम इसको 5 कर देंगे, देखिए यहां पे मैं काट के लिख रहा हूं इसको, ठीक है, और अब ये जो 5 है इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको यहां पे लिखेंगे, ठीक हो गया, इसको मैं यहां पे रब कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि अब जब हमारा कोशेंट 5 है तो
ये जो हमारे है इसको हम कोसाइन से मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखेंगे, तो 5 5 = 25। अगर आप इसको नहीं समझते तो आपको कैसे समझ में आता, तो इसलिए हमने अलग अलग वो बनाई है आपकी। ये आपका हमारा, अब यहां पे क्या हुआ, 30 में से 25 चला गया, 5 बचा, 5 हमने यहां पे लिख दिया, 59 हो गया। अब 4 5 = ये 4, और ये जो क्वेश्चन हमारा आया इसको हमने मल्टीप्लाई किया, 5 4 5 = 20, इसको हमने यहां पे लिखा, और ये 9 और 5 3, यानी कि हमारा 39 आ गया। अब इस 39 में हम फिर 5 के टेबल पढ़ेंगे, तो 5 6 = 30 और 5 7 = 35, यानी 5 7 = 35, ये 7 आएगा यहां पे और यहां पे 35 आ जाएगा। तो 39 में से 35 या 4 बचेगा, इस 4 को हम यहां पे लिखेंगे, और ये 4 7 = ये 4 और ये 7, इन ये 4 और ये 7 दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 = 28, और इस 28 को हम यहां पे लिखेंगे, बचेगा हमारा 16। अब इस 16 में 5 की जो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारे आप डेसिमल के बाद आएगा, जिसको हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक हो गया, तो 16 में 5 की मल्टीप्लिकेशन की थी, 5 3 = 15, 3 यहां पे आ गया, 15 यहां पे आ गया, और कितना बचा, 1 बचा। इस 1 को इसके आगे हम 0 लिख देंगे, जैसे पहले लिख रहे हो, और 4 3 = 12, ठीक है, नहीं जा सकता क्योंकि इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन यहां से घटनी जरूरी है, ये इसलिए हमने आपको, तो यहां पे फिर क्या करेंगे, इसको भी हम कम कर देंगे, यानी 2 कर देंगे, और अब इसको यहां से हटा करके और क्या कर देंगे कि 5 2 = 10 लिख देंगे यहां पे। ठीक हो गया, और कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 को हम यहां कर देंगे तो 60 हो जाएगा, तो 4 2 = 8, 8 हो जाएगा, कितना बचेगा, 52 बचेगा, और 52 में फिर हम 5 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब देखिए इसमें बहुत कुछ, अब जैसे आप देखेंगे साहब ये कहां से बच गया, ये तो 50 ज्यादा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको क्वेश्चन पर 9 लिखना है सिर्फ, यही सिखाने के लिए मैंने ये बनाया था आपके लिए, क्या करना है, यह 9 लिखना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, आंसर 101% आएगा, अपना कैलकुलेटर उठा के देख लीजिएगा, 5 9 = 45, यही आएगा आपका, कैलकुलेटर उठा के देख लीजिए, क्योंकि जब भी अगर कहां पर इस ये जो हमारा फ्लैग है इसको घटाने के बाद कोई फिगर आती है उसमें हमें नहीं देखना है, मैक्सिमम कितना होता है, 9 हो सकता है, 9 हमने लिख दिया। अब 52 में से 45 घटाया, हमारा 7 आ गया, और 0 उसके आगे लगा दी, हमारा 70 हो गया, और फिर अगेन 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 36 हो गया, और 36 में 10 में से 6 गए 4, और 6 में से 3 गए 3, 34 हो गया। अब हमें क्योंकि हम चाह रहे हैं कि और आगे निकालें, तो और आगे निकाल देते हैं, क्या हुआ, ये 34 है, कहीं तक भी लो 5 निकाल देता हूं आपके लिए, 5 6 = 35 और 5 7 = 35, तो 5 6 = 30 चलेगा, तो 5 6 और 30, ठीक हो गया, लेकिन अभी इससे काम हमारा नहीं होगा जब तक हम इसका कॉम्प्लीमेंट पूरा ना कर लें। तो 34 में से 30 गया, 3 हो गया, ये 0 लगा दीजिए, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 24 आ गया, अब यहां आपका 6 आ गया, इसको आप फिर आगे 5 1 = आप करते चले जाएंगे, और आप कहीं तक भी करते जा सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये मैं क्योंकि इसमें मैंने सारा कवर कर दिया है आपके लिए, तो ये जो मैं ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, इसमें थोड़ी सी एक चीज अगर आप ये करेंगे, इसमें इससे भी ज्यादा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी है, लेकिन क्योंकि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं आपको समझ में आना चाहिए। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, यदि पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए, लाइक कीजिए, साथ साथ मैं फिर आपको कह रहा हूं कि कॉपी पेंसिल लेके बैठिए और मैथमेटिक्स का काम पूरा कीजिए। थैंक यू वेरी मच।